तो चलो शुरू करते एक क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड्स। व्हाट इज कार्बन एंड कंपाउंड्स? दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने क्लास 9 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हो। उस चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये दोनों चैप्टर ही आप लोगों के लाइफ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। उसी तरह सा कार्बन एंड कंपाउंड्स भी आप लोगों की जिंदगी के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो कुछ एनिमेशन के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। 119 एलिमेंट्स आर नोन टू अस, मतलब 18, किसी किसी बुक में 115 भी लिखा होता है। 119 एलिमेंट्स आर नोन टू अस, ईच इंपॉर्टेंट इन इट्स ओन वे। Here are a few of them. हम लोग टोटल कितने जानते हैं? 119 करीब करीब एलिमेंट्स है। सोडियम शुरू होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस तरह से 118 टू 119 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। हम लोग इतने एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। जैसे कि इनमें से देखो, एक तो होता है जैसे कि ये हीलियम हो गया, ये देखो ये हो गया आपका, क्या क्या होता है जैसे कि हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, कॉपर, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, बोरॉन, आयरन। ये इस तरह से बहुत तरह का होता है। इनमें से मैं इस सबको गायब कर दिया। अभी मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर सारे क्यों चले गए, ये क्यों रह गए? वंडरिंग व्हाई ऑल अदर्स एलिमेंट डिसअपीयर्ड एंड कार्बन डिडंट। क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली कार्बन का बने हुए कंपाउंड्स। सो चलो कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स, थिंग्स मेड ऑफ ग्लास एंड क्ले एंड अदर्स। यहां पर कुछ पिक्चर्स है जिसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कौन सा मेटल से बने हैं, कौन सा ग्लास और मिट्टी से बने हैं और अदर्स से। सो आई थिंक यू कैन डिस्टिंग्विश वेरी इजीली, मेटल से बने हैं और ये सारे अदर्स में आ जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन इनमें देखो, कैन यू गेस द कॉमन एलिमेंट फाउंड इन ऑल? इन सब में एक कॉमन एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट क्या है? दैट इज कार्बन, दैट इज कार्बन। मेटल से बना है जो भी है, इसमें कॉमन एलिमेंट देखे जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बन। तो चलो, द अर्थ क्रस्ट, मिट्टी के अंदर 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। मिट्टी के अंदर हम लोग जब भी मिलेगा, जैसे कि पेट्रोलियम बोलो वो भी कार्बन से बने हैं, कोल बोलो वो भी कार्बन से बने हैं, उसके बाद आपका कार्बोनेट जो है CO3 उसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें भी कार्बन है, एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें भी कार्बन है, 0.03% इसमें भी कार्बन है। तो चलो अभी कार्बन एलिमेंट्स, नॉन मेटल। कार्बन क्या है? एलिमेंट्स के द्वारा वो एक नॉन मेटल एलिमेंट्स है। एनी डाउट? मेजर कंस्टिट्यूटेड ऑफ कोल, कोल जिससे बनते हैं वो कौन सा एलिमेंट से बनते हैं? कार्बन। उसका सिंबल है सी, उसका एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.4। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। हम लोग जानते हैं दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, 2 फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रहते हैं, उसके बाद वाले ऑर्बिट में 4, ऐसे 8 रहते हैं, लेकिन इधर तो है ही 6, तो 2 और 4 हो गया। एनी डाउट? तो उस हिसाब से बैलेंस ही कितना होगा इसका? 4, क्योंकि बंदा छोड़ेगा भी तो 4 छोड़ना होगा, लेगा भी तो 4 लेना होगा, बनाएगा भी तो 4, मतलब शेयरिंग करेगा तो भी 4 ही करना पड़ेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में वो स्टेबल होने के लिए कितना होना पड़ता है? 8 इलेक्ट्रॉन होना पड़ता है। कोई भी एलिमेंट्स को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना पड़ता है? 8 इलेक्ट्रॉन। वो उसके क्षमता के अनुसार वो क्या करते हैं, या तो वो लेते हैं, या तो वो छोड़ते हैं, या तो वो शेयर करते हैं।
ये कर्बन जो बंदा है उसका पास ना छोड़ने का क्षमता है ना लेने का क्षमता है, वो क्या करता है वो शेयरिंग करता है। क्यों नहीं छोड़ पाते, छोड़ने के लिए चार एटम छोड़ दिया तो उसको बहुत सारे एनर्जी लॉस होगा, लेगा तो उसके बंदे के पास प्रोटॉन कितना है देखो छह ही प्रोटॉन है, लेकिन चार अगर लेगा इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा दस, तो छह प्रोटॉन को दस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना मुश्किल है, इसलिए वो लेता नहीं है। समझ में आया क्या? प्रोटॉन तो चेंज नहीं होगा ना, प्रोटॉन कितना है छह ही रहेगा, लेकिन चार अगर ले लिया तो कितना हो जाएगा उसके पास दस इलेक्ट्रॉन हो गया। सो दस इलेक्ट्रॉन अगर हो गया तो उसके लिए छोड़ना अरे लेना उसको पकड़ के रखना प्रोटॉन के लिए मुश्किल हो जाएगा, और चार छोड़ेगा तो एनर्जी न्यूक्लियस का सारे चले जाएंगे। सो दैट्स व्हाई वो ना छोड़ते ना लेते तो क्या करते हैं शेयरिंग करते हैं कार्बन। देखो टू गेन स्टेबल स्टेट क्या करते हैं, इधर कैन गेन फोर इलेक्ट्रॉन्स, फोर इलेक्ट्रॉन गेन तो कर सकता है बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद सिक्स प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू टेन इलेक्ट्रॉन्स दैट इज फोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। न्यूक्लियस के पास तो छह ही प्रोटॉन है ना, सो छह प्रोटॉन को पॉसिबल नहीं होता एक्स्ट्रा चार इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख ले, इसलिए बंदा लेता नहीं है। दूसरा स्टेबल होने का तरीका क्या है, लूज चार इलेक्ट्रॉन कर दो, बट इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव फोर इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड ए कार्बन केशन विद सिक्स प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन को लाकर पकड़ के रखने के लिए अंदर में प्रोटॉन्स छह है, सो ये भी एटम लूज तो हो गया ना, एनर्जी एटम ब्रास्ट हो जाएगा। तो चलो कार्बन तो फिर कार्बन करता क्या है, कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी हम लोग जानेंगे कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो शेयरिंग तो गायोगम से, अरे सॉरी लेना देना तो गायोगम से, तो अभी कौन सा आएगा शेयरिंग, शेयरिंग मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। दो एटम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के, दो एटम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर शेयरिंग वेयरिंग हुआ तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। देखो एनिमेशन बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझा के देगा, जैसे कि देखो ये एक एटम है, साइड में आ जाओ ना, इधर आ जाओ, इधर जगह है, इधर जगह, इतना सुंदर रूम, आ जाओ। तो देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इन लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, शेयर कर लिया, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया? इज कार्बन द ओनली एलिमेंट दैट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, सिर्फ कार्बन ही है क्या जो कोवेलेंट बॉन्ड दिखाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे क्लोरीन दिखाते हैं, हाइड्रोजन दिखाते हैं, ऑल नॉन मेटल्स फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत ही अच्छी बात है, सीख लिया आप लोगों ने, जो भी नॉन मेटल होगा बोल देना कि वो कौन सा बॉन्ड करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। चलो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, कुछ अलग कंपाउंड्स हम लोग देखते हैं कार्बन को छोड़ के भी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्स वो जिसको हम लोग एटम बोलते हैं, वो तो मॉलिक्यूल में तब तब्दील होगा जब वो नेचर में फ्री स्टेट में रह सकते हैं, माने नॉर्मली रह सकते हैं। जैसे कि क्लोरीन का फॉर्मूला होता है CO(Cl)2, ये मॉलिक्यूल है नॉट एलिमेंट्स। सो हाइड्रोजन का जेड से हम लोग क्या समझते हैं, एटॉमिक नंबर, जेड से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, वन, वेरी गुड। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या होगा, वन एटॉमिक नंबर। तो ये वन प्रोटॉन क्यों लिखा, क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन है तो वन प्रोटॉन है तो वन इलेक्ट्रॉन है, एनी डाउट? तो चलो ये बंदा और है कि इलेक्ट्रॉन के साथ, अरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा, तो ये अगर छोड़ देगा तो इसके पास तो दो हो जाएगा, ये बंदा तो गायो काम से, तो नहीं छोड़ पाएगा ये। तो क्या करते हैं भाई, चल हम लोग शेयर कर लेते हैं, कैसे करते हैं, तो बिकम द स्टेबल वन, ईच एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन विद अनदर ईच एटम। स्टेबल होने के लिए वो इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखो, इस तरह से करते हैं, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इस तरह से, सिंस टोटल
two electron, one pair are shared, we say that जेहतु ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ दोनों मिला के इसने एक किया तो दो हुआ ना वन पेयर ऑफ इसीलिए हम लोग बोलते उसको द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, उस तरह से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम लोग बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी डाउट एज यू कैन सी इन द स्क्रीन। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम सिंबल इधर डॉट और क्रॉस। देखो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं और इस तरह से इसे क्रॉस भी दे सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डॉट क्रॉस भी दे सकते हैं, तो डॉट और ऐसे बॉन्ड दे सकते हैं। एनी डाउट क्लियर? चलो चलते आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17। उसका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या है 2.8.7। उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? देखो यहां पर 2 और 2 छोड़ दिया मैंने, 2.8 छोड़ दिया, सिर्फ आउटर मोस्ट का लिया। कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्योंकि रिएक्शन में कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं आउटर मोस्ट सेल का, इसीलिए डॉट रिप्रेजेंटेशन में आप सारे भी लिख सकते हो, नहीं तो ओनली आप कौन सा लिखने से होगा आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन लिखने से ही हो जाएगा। एनी डाउट? चलो आगे बढ़ते। दो इलेक्ट्रॉन के साथ, अरे सॉरी, दो क्लोरीन के साथ फॉर्मेशन करेगा ये बंदा, एक छोड़ेगा तो इसको 8 हो जाएगा लेकिन इसको 6 होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक छोड़ेगा नहीं क्योंकि ये छोड़ेगा क्यों, तो ये तो तब छोड़ेगा ना कि जब उसको पता चले कि मैं छोड़ने से मेरा स्टेबल हो पाऊंगा, तो ये तो स्टेबल नहीं हो पाएगा ना एक छोड़ने से, तो क्या करेगा शेयर करेगा। टू बिकम स्टेबल वन क्लोरीन एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन विथ अदर क्लोरीन एटम लाइक दिस। Now we can say 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेड वाला उससे ले लिया, इससे रेड वाला ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसको काउंट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी ये जो रेड वाला है वो एक बंदा इसका था एक इसका था, दोनों ने अभी ये रेड इसमें भी काउंट हो गया, रेड इसमें भी काउंट हो गया, इसमें दोनों स्टेबल है। और ये कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया? वन पेयर, इसीलिए ये हम लोग क्या बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंस टोटल टू इलेक्ट्रॉन मीन्स वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, वी सेड दैट the chemical bond formed by sharing of one pair of electrons is called a single covalent bond. और इसको हम लोग represent कर सकते हैं dot या cross से या तो इस तरह सा bond से, we can represent it. Is there any doubt? No doubt. May I proceed? Yes. Now, formation of oxygen molecule. I think all of you know the atomic number of oxygen is what? 8. और उसका electron arrangement 2.6. उसका valency 2. चलो आगे बढ़ते हैं। So, इसका मैंने दोनों ही दिया इधर 2 और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो सर ये दोनों को अपने रेड क्यों बनाया? समझाने के लिए, एनिमेशन की सुविधा के लिए बनाया कि ये दो बंदा जाके शेयर होगा, इसीलिए क्लियर। 2.6 एटॉमिक नंबर, इसके और एक एटम के साथ कर रहे हैं, समझ में आया? और ये टू बिकम स्टेबल वन ऑक्सीजन एटम शेयर टू इलेक्ट्रॉन विद अदर ऑक्सीजन एटम्स। So, how, किस तरह से दिखने मिलेगा? लाइक दिस। एनी डाउट? सो देखो यहां पर क्या हो रहा है, इसका दो इलेक्ट्रॉन रेड, इसका दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो ये 4 जो है इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के साथ भी काउंट होगा, इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के साथ भी काउंट होगा, तो काउंट करके एक बार देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए इस बंदे खुश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये भी बंदा खुश, दोनों खुश, तो क्या होगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको बोल देंगे इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड, टू पेयर। एनी डाउट? सो नाउ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन में 7 होता है, 2.5 होगा, इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सो इसमें 2.5 और एक के साथ होगा तो क्या होगा? इसमें भी 2.5। सो ये अगर इस तरह सा टू बिकम स्टेबल स्टेट वन नाइट्रोजन एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर by another nitrogen atoms, so it's look like this. So 6 हो गया ना टोटल? यस सर। इसमें 3 येलो
इसमें तीन येलो ले लिया, छह, इस छह बंदे को इसके साथ भी काउंट होगा, इस छह बंदे को इसके साथ भी काउंट होगा। ये सारे कंसेप्ट आप लोगों ने फिर एक बार रिवाइज दे रहे हो, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़, आप लोग सारे बच्चे पढ़ चुके हो क्लास 9 में, यस और नॉट? और एटम्स एंड अरे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी आप लोग पढ़ चुके हो, यस और नॉट? तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन ये 3 डॉट्स हो गया, 3 डैश हो गया, और देन ये टोटल 6 मतलब 3 पेयर्स, इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इज देयर एनी डाउट? नो डाउट। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O. Atomic number of hydrogen is 1. Thus, valency of hydrogen is also 1. Atomic number of oxygen is 8. 2.6 is the valency of is 2. Iska equation banana to formula banana to bahut easy hai. Iska valency iske sath, iska valency iske sath. Hydrogen ka valency 1 hai, to oxygen ke sath leke jao. Oxygen ke valency 2 hai, to hydrogen ke sath leke jao. Ho gaya H2O. Lekin actually bond kaise karte wo log? Internally wo kaisa hota hai? Dekho. कैसे होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल दे शेयर? कितना? देखो, दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसका तो एक ही होता है। आउटरमोस्ट सेल का लिया, कंफ्यूज मत होना, इसका तो अंदर वाला 2 नहीं लिया कि, क्योंकि हम लोग रिएक्शन में कौन पार्ट लेते हैं? आउटरमोस्ट सेल। So, चलो इसको कैसे बॉन्डिंग करेंगे? ये बंदा जाएगा, ये हो गया, ये हाइड्रोजन भी हो गया, ये हाइड्रोजन भी हो गया, लेकिन ये भी किंतु स्टेबल हुआ। सर इसका तो 8 नहीं हुआ, इसका 2 हुआ। वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? नियॉन की, सॉरी हीलियम की तरह। हीलियम एक्सेप्शन है, हीलियम हमारा इनर्ट गैस कितना है? टोटल 6। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन रेडॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन रेडॉन, हीलियम का 2 है। हाइड्रोजन एक लौता एलिमेंट है जो नियॉन की तरह बिहेव करता है। देखो सॉरी हीलियम की तरह, हीलियम की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या है? ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, लेकिन ये जो बंदा इसका भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो गया 2.8, यानी जो नियॉन की तरह बिहेव करता है। फॉर्मेशन ऑफ CH4 मीथेन, जो एक कार्बन कंपाउंड है। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, दस द बैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, एंड द 2.4 द बैलेंसी इज 4। इसीलिए कार्बन का बैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का बैलेंसी इसके साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए हम लोगों ने लिखा नहीं। तो चलो फॉर्मेशन कैसे होते देख लेते हैं, समझ में आ रहा है? सो इसका वन सारे पेयर कर लेंगे, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम, और चलो भाई पास आ जाते हैं अगले, प्यार से वो लोग पास आ गए और क्या हो गए? देखो इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसके तो सारे हीलियम की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, बंदा खुश। 2.8 हो गए उसका भी, वो भी नियॉन की तरह बिहेव करने लगा। सारे एलिमेंट का टारगेट तो यही होता ना, वो इनर्ट गैस की तरह बिहेव करे। ओके, तो ये हर एक बॉन्ड को इसके लिए एक डैश, इसके लिए एक डैश, इसके लिए एक डैश, इसके लिए डैश, वी कैन राइट दिस लाइक दिस। एनी डाउट? नो सर। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कार्बन का बैलेंसी कितना होता है? 4। ऑक्सीजन का बैलेंसी कितना होता है? 2। तो देखो ये तो पॉसिबल है ना, बहुत ये 4 को इधर लेके जाओ, 2 को इधर लेके जाओ, 2 और 4 काटा कट जाएगा, इधर 2 रहेगा, CO2 हो गया। लेकिन ये तो था ऐसे ट्रिक, लेकिन एक्चुअली बॉन्डिंग होता कैसे है, समझ में आ रहा है ये सब? Yes, तो चलो देखो, कार्बन का 2.4 हो गया, ये 2.6 हो गया, ये भी 2.6 हो गया, लेकिन ये दो बंदे इसके आ जाएगा, ये दो बंदे इसके आ जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। अब देखो ये बंदा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, इसका भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। एनी डाउट? नो सर। सो खुश, लेकिन इसमें कैसे बॉन्डिंग लिखोगे? कैसे? इसमें भी डबल पेयर, टुक 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 टुक, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे ऐसे होगा। एनी डाउट? नो सर। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, अभी तो समझ गया ना कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? Yes, अभी उसका प्रॉपर्टी क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज उसका देखो। इन लोगों के बीच में जो कनेक्शन है ना, वो लूज है, बहुत ही लूज है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, उसका
बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा क्योंकि अट्रैक्शन कम है ना, और जेहेतु उसके बीच में है लगाव कम है, और इसीलिए ज्यादातर लिक्विड्स और गैस में होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में जो भी फॉर्म होता है या तो लिक्विड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वाटर क्या है, लिक्विड। सो देखो ना, जितना भी तुम कोवेलेंट देखोगे, क्लोरीन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, जितना भी देखोगे ज्यादातर एक्सेप्शन है। आप बोलोगे सर ग्राफाइट, सर ये तो गैस नहीं है, लिक्विड भी नहीं, आप बोलोगे सर डायमंड, तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है। तो एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी मैक्सिमम सॉलिड और लिक्विड होता है, क्लियर। दे आर यूजली लिक्विड और गैसेस ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, ओनली सम आर सॉलिड्स, इनमें से कुछ सॉलिड है, बाकी सारे लिक्विड्स और गैस होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्राफाइट, डायमंड एंड ग्राफाइट को छोड़ के बाकी सबका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कम है ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिटिल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्सेस। आप लोग खुद जानते हो, आप लोग क्लास 9 में एक चैप्टर पढ़ चुके हो, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एंड इज मैटर अराउंड अस हियर। इनमें हम लोग मैटर के बारे में जान चुके हैं, लिक्विड सॉलिड लिक्विड एंड गैस, गैस के बीच में मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कम होता है क्योंकि मॉलिक्यूल पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, इन लोगों के बीच में बहुत गैप होता है, तो गैप होने के बॉन्डिंग हटाने के लिए हीट भी कम देना पड़ेगा। नेक्स्ट, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मतलब ऐसे पानी में ये सब नहीं गोलेगा, लेकिन इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पोअर कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा मुझे एक बात बोलो, हीट कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, ये तो आयन बनता ही नहीं है ना, ये तो कंपाउंड बन चुके हैं, सो दैट्स दे आर पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए जो चाहिए वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये तो आयन है ही नहीं, समझ में आया। ऑकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन मिलता कहां से, ज्यादातर हम लोग फ्री स्टेट में अगर मिलने की बात करें तो तीन जगह से मिलते हैं, एक है डायमंड और दूसरा है कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया, खुद खुद अकेला ही है, भाई मैं कार्बन हूं, मेरे साथ और कोई मिला हुआ नहीं है, लेकिन इसके साथ वो कुछ किसी और के साथ रिएक्शन करके रह रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में है, समझ में आ रहा है। और ये बंदा बोलते हैं नहीं मैं शादी भी नहीं करूंगा, लिविंग रिलेशन भी नहीं रहूंगा, तो ये देखो क्या है, डायमंड होता है, ग्राफाइट होता है, और बकमिंस्टर फ्लोरेंस भी एक होता है, बकमिंस्टर फ्लोरिन भी एक होता है। सो ये होता है फ्री स्टेट में, ये सारे कार्बन से बने, ये होता है कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मिलता है, कार्बोनेट्स में कार्बन मिलता है, लाइमस्टोन जैसे कि फॉसिल्स फ्यूल्स जैसे कि एग्जांपल्स थे, कोल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, नेचुरल गैस होता है, ये होता है कंबाइंड स्टेट में, मींस किसी इसके साथ कार्बन के साथ कोई और भी है, कार्बन के साथ कोई और भी है, लेकिन इसमें कार्बन के साथ कोई और नहीं है, एनी डाउट। ओके नेक्स्ट, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन व्हिच एन एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जहां पर भी कार्बन मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन अगर फ्री स्टेट में बोलेंगे तो तीन, डायमंड, ग्राफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरेंस। सो ये है ग्राफाइट, तो उसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे आप कुछ इस तरह से है, ये है आपका डायमंड कुछ इस तरह से है, ये है बकमिंस्टर फ्लोरेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये फुटबॉल जैसा है और कुछ इस तरह से लेयर जैसा है, और ये हेक्सागन जैसा है, ये क्यूबॉइड जैसा है, क्यूब जैसा है, एनी डाउट। तो ये क्या है, ग्राफाइट का, ये हेक्सागन का स्टाइल का है, और ये डायमंड कुछ इस तरह सा है, और ये बकमिंस्टर फ्लोरेंस। सो चलो डायमंड के, ये है डायमंड का स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है। चलो देखो ग्राफाइट के बारे में, देखो ये ग्राफाइट का स्ट्रक्चर, कलरलेस, डायमंड क्या है, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टलाइन होता है। Here, we said that the chemical bond formed by sharing
of one pair of electrons is called a single covalent bond. और इसको हम लोग represent कर सकते हैं dot या cross से या तो इस तरह सा bond से we can represent it. Is there any doubt? No doubt. May I proceed? Yes. Now, formation of oxygen molecule. I think all of you know the atomic number of oxygen is what? 8. और उसका electron arrangement 2.6. उसका valency 2. चलो आगे बढ़ते हैं. So इसका मैंने दोनों ही दिया. इधर 2 और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो सर ये दोनों को अपने रेड क्यों बनाया? समझाने के लिए, एनिमेशन की सुविधा के लिए बनाया कि ये दो बंदा जाके शेयर होगा, इसीलिए. क्लियर? 2.6 एटॉमिक नंबर, इसके और एक एटम के साथ कर रहे हैं, समझ में आया? और ये टू बिकम स्टेबल वन ऑक्सीजन एटम शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स विद अदर ऑक्सीजन एटम्स. सो हाउ, किस तरह से दिखने मिलेगा? लाइक दिस. एनी डाउट? सो देखो यहां पर क्या हो रहा है, इसका दो इलेक्ट्रॉन रेड, इसका दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, तो चार इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल. तो ये चार जो है इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के साथ भी काउंट होगा, इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के साथ भी काउंट होगा. तो काउंट करके एक बार देख लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए. इस बंदे खुश. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये भी बंदा खुश, दोनों खुश. तो क्या होगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड. इसको बोल देंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, टू पेयर. एनी डाउट? सो नाउ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन में 7 होता है, 2.5 होगा, इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड होगा. सो इसमें 2.5 और एक के साथ होगा तो क्या होगा? इसमें भी 2.5. सो ये अगर इस तरह सा टू बिकम स्टेबल स्टेट वन नाइट्रोजन एटम शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन्स विद अदर बाय अनदर नाइट्रोजन एटम्स. सो इट्स लुक लाइक दिस. सो 6 हो गया ना टोटल. इसमें 3 येलो, इसमें 3 येलो ले लिया 6. इस 6 बंदे को इसके साथ भी काउंट होगा, इस 6 बंदे को इसके साथ भी काउंट होगा. ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने फिर एक बार रिवाइज दे रहे हो. ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़, आप लोग सारे बच्चे पढ़ चुके हो क्लास 9 में. यस और नॉट? और एटम्स एंड अरे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी आप लोग पढ़ चुके हो. यस और नॉट? तो चलो आगे बढ़ते हैं. नाइट्रोजन ये 3 डॉट्स हो गया, 3 डैश हो गया, और देन ये टोटल 6 मतलब 3 पेयर्स, इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. इज देयर एनी डाउट? नो डाउट. तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O. एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, दस वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो 1. एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, 2.6 इज द वैलेंसी ऑफ इज 2. इसका इक्वेशन बनाना तो फॉर्मूला बनाना तो बहुत इजी है. इसका वैलेंसी इसके साथ, इसका वैलेंसी इसके साथ. हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है तो ऑक्सीजन के साथ लेके जाओ, ऑक्सीजन के वैलेंसी 2 है तो हाइड्रोजन के साथ लेके आओ, हो गया H2O. लेकिन एक्चुअली बॉन्ड कैसे करते हैं वो लोग, इंटरनली वो कैसा होता है, देखो कैसे होते हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल दे शेयर? कितना? देखो दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर. हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसका तो एक ही होता है. आउटर मोस्ट सेल का लिया, कंफ्यूज मत होना. इसका तो अंदर वाला 2 नहीं लिया आगे, क्योंकि हम लोग रिएक्शन में कौन पार्ट लेते हैं? आउटर मोस्ट सेल. सो चलो इसको कैसे बॉन्डिंग करेंगे, ये बंदा जाएगा, ये हो गया, ये हाइड्रोजन भी हो गया, ये हाइड्रोजन भी हो गया, लेकिन ये भी किंतु स्टेबल हुआ. सर इसका तो 8 नहीं हुआ, इसका 2 हुआ. वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? नियॉन की, सॉरी हीलियम की तरह. हीलियम एक्सेप्शन है. हीलियम हमारा इनर्ट गैस कितना है? टोटल 6. हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन रेडॉन. हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन रेडॉन. हीलियम का 2 है. हाइड्रोजन एक लौता एलिमेंट है जो नियॉन की तरह बिहेव करता है. देखो सॉरी हीलियम की तरह, हीलियम की तरह बिहेव करता है. तो ये क्या है? ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, लेकिन ये जो बंदा इसका भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो गया 2.8, यानी जो नियॉन की तरह बिहेव करता है. फॉर्मेशन ऑफ CH4 मीथेन, जो एक कार्बन कंपाउंड है. एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, दस द बैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, एंड द 2.4 द बैलेंसी इज 4. इसीलिए कार्बन का बैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का वैलेंसी इसके साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए हम लोगों ने लिखा नहीं.
तो चलो फॉर्मेशन कैसे होते देख लेते हैं, समझ में आ रहा है? सो इसका वन सारे पेयर कर लेंगे, हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम, और चलो भाई पास आ जाते हैं, प्यार से वो लोग पास आ गए और क्या हो गए? देखो इसका दो सारे हीलियम की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसका एक एक दो तीन चार पांच छह सात आठ हो गए, बंदा खुश। 2.8 हो गया उसका भी, वो भी नियॉन की तरह बिहेव करने लगा। सारे एलिमेंट का टारगेट तो ये होता ना, वो इनर्ट गैस की तरह बिहेव करे। ओके, तो ये हर एक बॉन्ड को इसके लिए एक डैश, इसके लिए एक डैश, इसके लिए एक डैश, इसके लिए डैश, वी कैन राइट दिस लाइक दिस। एनी डाउट? नो सर। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, कार्बन का बैलेंस कितना होता है 4, ऑक्सीजन का बैलेंस कितना होता है 2। तो देखो ये तो पॉसिबल है ना, बहुत ये 4 को इधर लेके जाओ, 2 को इधर लेके जाओ, 2 और 4 काटा कट जाएगा, इधर 2 रहेगा, CO2 हो गया। लेकिन ये तो था ऐसे ट्रिक, लेकिन एक्चुअली बॉन्डिंग होता कैसे है, समझ में आ रहा है ये सब? Yes, तो चलो देखो, कार्बन का 2.4 हो गया, ये 2.6 हो गया, ये भी 2.6 हो गया, लेकिन ये दो बंदे इसके आ जाएगा, ये दो बंदे इसके आ जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, आप देखो ये बंदा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। एनी डाउट? नो सर। सो खुश। लेकिन इसमें कैसे बॉन्डिंग लिखोगे, कैसे? इसमें भी डबल पेयर, टुक 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 टुक, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे ऐसे होगा। एनी डाउट? नो सर। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, अभी तो समझ गया ना कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। Yes, अभी उसका प्रॉपर्टी क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज उसका देखो। इन लोगों के बीच में जो कनेक्शन है ना, वो लूज है, बहुत ही लूज है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि अट्रैक्शन कम है ना, और जेहेतु उसके बीच में है लगाव कम है, और इसीलिए ज्यादातर लिक्विड्स और गैस में होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में जो भी फॉर्म होता है, या तो लिक्विड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यस, वाटर क्या है, लिक्विड। सो देखो ना, जितना भी तुम कोवेलेंट देखोगे, क्लोरीन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, जितना भी देखोगे ज्यादातर एक्सेप्शन है। आप बोलोगे सर ग्राफाइट, सर ये तो गैस नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, आप बोलोगे सर डायमंड, तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है। तो एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी मैक्सिमम सॉलिड और लिक्विड होता है, क्लियर? दे आर यूजली लिक्विड और गैसेस ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, ओनली सम आर सॉलिड्स, इनमें से कुछ सॉलिड है, बाकी सारे लिक्विड्स और गैस होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्राफाइट, डायमंड एंड ग्राफाइट को छोड़ के बाकी सबका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कम है, ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिटिल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्सेस। आप लोग खुद जानते हो, आप लोग क्लास 9 में एक चैप्टर पढ़ चुके हो, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, इनमें हम लोग मैटर के बारे में जान चुके हैं, लिक्विड सॉलिड लिक्विड एंड गैस, गैस के बीच में मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, इन लोगों के बीच में बहुत गैप होता है, तो गैप होने के बॉन्डिंग हटाने के लिए हीट भी कम देना पड़ेगा। नेक्स्ट, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मतलब ऐसे पानी में ये सब नहीं गोलेगा, लेकिन इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा मुझे एक बात बोलो, हीट कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, ये तो आयन बनता ही नहीं है ना, ये तो कंपाउंड बन चुके हैं, सो दैट्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए जो चाहिए वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये तो आयन है ही नहीं, समझ में आया? ऑकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन मिलता कहां से? ज्यादातर हम लोग फ्री स्टेट में अगर मिलने की बात करें तो 3 जगह से मिलते हैं, एक है डायमंड, और दूसरा है कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया, खुद खुद अकेला ही है, भाई मैं कार्बन हूं, मेरे साथ और कोई मिला हुआ नहीं है, लेकिन इसके साथ वो कुछ किसी और के साथ रिएक्शन करके रह रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में है, समझ में आ रहा है?
और ये बंदा बोलते हैं नहीं मैं शादी भी नहीं करूंगा, लिविंग रिलेशन भी नहीं रहूंगा। तो ये देखो क्या है, डायमंड होता है, ग्राफाइट होता है, और बकमिंस्टर फ्लोरेंस भी एक होता है। बकमिंस्टर फ्लोरेंस भी एक होता है। सो ये होता है फ्री स्टेट में, ये सारे कार्बन से बने। ये होता है कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मिलता है, कार्बोनेट्स में कार्बन मिलता है, लाइमस्टोन जैसे कि फॉसिल्स फ्यूल्स जैसे कि एग्जांपल से कोल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, नेचुरल गैस होता है। ये होता है कंबाइंड स्टेट में, मींस किसी इसके साथ कार्बन के साथ कोई और भी है, कार्बन के साथ कोई और भी है, लेकिन इसमें कार्बन के साथ कोई और नहीं है। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन व्हिच एन एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जहां पर भी कार्बन मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन अगर फ्री स्टेट में बोलेंगे तो तीन, डायमंड, ग्राफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरेंस। सो ये है ग्राफाइट, तो उसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे आप कुछ इस तरह से है। ये है आपका डायमंड, कुछ इस तरह से है। ये है बकमिंस्टर फ्लोरेंस, का स्ट्रक्चर इस तरह से है। ये फुटबॉल जैसा है और कुछ इस तरह से लेयर जैसा है, और ये हेक्सागन जैसा है, ये क्यूबॉइड जैसा है, क्यूब जैसा है। एनी डाउट? तो ये क्या है, ग्राफाइट का, ये हेक्सागन का स्टाइल का है, और ये डायमंड कुछ इस तरह सा है, और ये बकमिंस्टर फ्लोरेंस। सो चलो डायमंड के, ये है डायमंड का स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है? Yes. चलो देखो ग्राफाइट के बारे में, देखो ये ग्राफाइट का स्ट्रक्चर, कलरलेस। डायमंड क्या है, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टलाइन होता है। तो ये समझ में आया सर? Yes. ये क्या है, कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट है, एकदम चकाचक चलेगा। सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस, ये बहुत ही चकचका होते हैं, है ना। ग्राफाइट क्या होता है, ग्रेइश इन कलर होते हैं, ग्रे कलर होता है, ब्लैक ओपेक सब्सटेंस जो एक इस पर उस पर नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट होगा, ईच कार्बन लिंक टू फोर अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स। ये पता है क्या है, हर कार्बन का चार एटम्स होता है, चार इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में। ये चारों इलेक्ट्रॉन किसी और चार कार्बन एटम के साथ लगा हुआ होता है, यानी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, हर कोई हर किसके साथ लगा हुआ होता है, समझ में आया? लेकिन ग्राफाइट में क्या होता है, ग्राफाइट में उसका चार इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हर चार किसी चार नहीं होता, सिर्फ तीन कनेक्टेड होता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। यानी इस बंदे के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, लेकिन इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, लेकिन इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें हम लोग एक चीज आइडिया लगा सकते हैं कि सर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये आयन बन सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकता है, लेकिन इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है सर, क्योंकि सारे के सारे किसी और के साथ बॉन्ड कर लेते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कैन नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और ये सारे के सारे सबके साथ बॉन्डिंग है इसलिए वो हार्ड भी है, और ये सारे के सारे बॉन्ड नहीं है इसलिए वो थोड़ा ब्रिटल भी है, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड ही है लेकिन ब्रिटल है, मतलब इससे तो टूटता नहीं है ना। इट इज रिजिड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये बहुत सख्त थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है डायमंड, और इट हैज शीट लाइक एंड स्ट्रक्चर फॉर्मिंग एन हेक्सागोनल एरे। एरे मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ये हेक्सागोनल एरे जैसे बनाया, और ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसके इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट नहीं कर सकते, कि उसके अंदर क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जेहेतु इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है इसीलिए बंदा क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर, सॉरी कंडक्ट कर पाएगा। एनी डाउट? एक्सट्रीमली हार्ड एंड हैवी, और ये बहुत ही सॉफ्ट एंड लाइट एज कंपेयर टू डायमंड, डायमंड की तुलना वो सॉफ्ट है। तो चलो यूजेस, डायमंड के यूजेस, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, ब्लैक डायमंड आर यूज फॉर कटिंग ग्लास, और ग्राफाइट के यूज है एज ए इलेक्ट्रोड्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसलिए, लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए, थोड़ा पिचिल बनाने के लिए, एंड देन लेड पेंसिल्स। ये देखो इलेक्ट्रोड में अगर हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो ये कुछ ग्राफाइट लुब्रिकेंट,
कोई लिक्विड जैसे सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ बिटवीन द मूविंग पार्ट, जैसे हम लोग ग्रीस चीज कोई ना लाइक दिस, समझ में आया। तो नेक्स्ट हो गया आपका पेंसिल, पेंसिल का जो लीड होता है, एनी डाउट, जिसको हम लोग बंगाली में शीश बोलते हैं। तो चलो फुलारिंस, फुलारिंस द एलोट्रोप्स ऑफ एन कार्बन, वो 60 एटम से होते हैं, अरेंज्ड इन शेप ऑफ ए फुटबॉल, इट्स लुक्ड लाइक जियोडेसिक डोम एंड डिजाइंड बाय यूएस आर्किटेक्ट, उनका नाम से दिया गया, उनका नाम ही था साइंटिस्ट का नाम बकमिंस्टर फुलर, और वहां से आया बकमिंस्टर फुलारिन, समझ में आया क्या? ओके चलो बाद में यह सब, किंतु अगर जरूरत पड़े तो ऑब्वियसली वीडियो को रिवाइंड करके पॉज देके यह सब इंफॉर्मेशन यू कैन नोट इट डाउन, बट आप लोगों को तो पीडीएफ मिलेगा ही। चलो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का बहुत वर्सटाइल नेचर है, क्यों? कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, द नेचर ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड्स एनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, जेहतु ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं इसीलिए वो बहुत तरह के मतलब क्या बोलते हैं बॉन्ड तैयार करके बहुत लंबा लंबा बहुत तरह का के कंपाउंड बना सकते हैं। आइडिया लगाया गया करीब करीब 4 मिलियंस तक, आइडिया लगाया गया सॉरी 3 मिलियंस, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड रिसेंटली एस्टिमेटेड टू 3 मिलियंस, यानी 30 लाख सिर्फ कार्बन से बने हुए, मतलब कार्बन के बने हुए कुछ कंपाउंड अगर मिलाया जाए तो करीब 30 मिलियंस, अरे सॉरी 30 लाख के बराबर होगा। What could be the reason for this? इसके पीछे कारण क्या है? इतना compounds वो क्यों बना सकते हैं? उसका पीछे जो main कारण है उसका catenation features and tetravalency. Catenation का मतलब होता है, catenation का मतलब होता है, मतलब ये carbon जो एक के साथ 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 bond बनाते हैं ना, इतने compound जो बना सकते हैं carbon का ये features, वो उसका किसके आपको आप लोग credit दो? उसके catenation features को और उसको tetravalency features को। So first of all, we have to know what is catenation. Catenation means, catenation is the property of self-combination of atoms to form large molecule is called catenation. मतलब, एक एटम के साथ दूसरे एटम के साथ तीसरे एटम, तीसरे के साथ चौथा, इस तरह से बनते ही जाए, ये जो फीचर्स है, एक के साथ एक ही, खुद के साथ खुद लगाने का जो कैपेसिटी है, उसको बोलते हैं catenation. क्या लगता है, ये catenation सिर्फ कार्बन के साथ ना, कुछ और के साथ भी है। कार्बन को छोड़ के भी कैटिनेशन फीचर्स है, मैं बोलूंगा ब्रांच चेन बना सकते हैं वो लोग, स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं वो लोग, क्लोज चेन इस तरह से बना सकते हैं, बाद में हम लोग एक एक करके सब सीखेंगे। कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, सो एलिमेंट्स दैट शो कैटिनेशन, कार्बन ये तो दिखाती है, साथ में सल्फर दिखाते हैं और साथ में सिलिकॉन दिखाते हैं। तो अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि कार्बन तो कैटिनेशन दिखाते, बोले अगर कैटिनेशन क्या है, को सर खुद के साथ जोड़ के जितना लंबा चेन बना सकते हैं वो सर क्लोज्ड बना सकते हैं, वो स्ट्रेट बना सकते हैं, वो ब्रांच बना सकते हैं, वो सिंगल बॉन्ड का हो सकता है, वो डबल बॉन्ड का हो सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड का हो सकता है, इसी फीचर्स को बोलते हैं सर कैटिनेशन। और ये क्या सिर्फ कार्बन के पास है? नहीं, ये सल्फर और सिलिकॉन के पास है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सल्फर एंड सिलिकॉन बिकॉज दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन कार्बन। ओके, फास्फोरस के पास भी है। टेट्रावेलेंसी मतलब आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज टेट्रावेलेंसी, क्योंकि उसका वैलेंसी 4 है और 4 को टेट्रा बोला जाता है, जैसे कि 3 को ट्राई बोला जाता है, 2 को डाई बोला जाता है, उसी तरह 4 को टेट्रा बोला जाता है, और इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे टेट्रा वैलेंसी। सिंस कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। मोनोवेलेंट मतलब वो कार्बन तो ही उसका 4, वो कार्बन के साथ कार्बन के अदर एटम के साथ भी जोड़ सकते हैं, और किसी वन मोनोवेलेंट मतलब एक सिंगल वैलेंसी का एक एटम के साथ भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन के साथ भी वो जुड़ सकते हैं, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, देखो इस हाइड्रोजन को हटा दो तो बन क्लोरीन बिठा दो, इधर समझ में आएगी नहीं आया, श्योर हो गया? ओके, सो एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी कंपाउंड ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम, एकदम पहले 19th सेंचुरी की शुरुआत में
हम लोग कंपाउंड्स को ले सकते थे, मतलब कार्बन कंपाउंड्स को, या तो प्लांट से या तो एनिमल से, या तो प्लांट से लेंगे या तो एनिमल से लेंगे कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम. लेकिन बाद जब प्लांट्स और एनिमल से लेंगे तो ऑर्गेनिक बोलेंगे, और कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स उसको हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक. लेकिन एक बात है यहां पर, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड इट वॉज पोस्टुलेटेड दैट वाइटल फोर्स वॉज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस. इसको बनाने के लिए बहुत फोर्स चाहिए. लेकिन एक साइंटिस्ट है जर्मनी के रहने वाले, एक साइंटिस्ट है जर्मन केमिस्ट वुलर. वुलर ने क्या किया, उन्होंने 1828 में ही मेड यूरिया. यूरिया किंतु कंपाउंड है, अरे सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में भी यूरिया बनते हैं. ये किंतु ऑर्गेनिक है. लेकिन बनाया किससे, एमोनियम कार्बोनेट से बनाया. बनाया किससे, तो एमोनियम कार्बोनेट तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक सॉरी साइनेट एमोनिया साइनेट. एमोनियम साइनेट से क्या बनाया, यूरिया बनाया. एमोनियम साइनेट से क्या बनाए, तो ये तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक. सो ये कर दिखाया कौन, जर्मन केमिस्ट वोलर ने. So, ये एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऑर्गेनिक कंपाउंड रेफर्स टू ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन. ऑर्गेनिक का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से बनेंगे, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सिस्टम एंड नाउ डेज विच कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी. हम लोग जानते हैं ज्यादातर वो कहां से मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो प्लांट्स या तो एनिमल से, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से. लेकिन अभी दुनिया इतना आगे बढ़ चुके हैं के लेबोरेटरी में भी यू कैन सिंथेसाइज व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्लियर. सो जैसे कि देखो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गया, हेलो एल्केन हो गया, ये हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, विनेगर, ये सब हम लोग इस चैप्टर में एक एक करके डिस्कस करेंगे. समझ में आया कि नहीं आया. सो हाइड्रोकार्बन में है, तो यहां तक पूरा समझ में आया क्या? Yes, sir. अगर किसी बंदे को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, उसको रिवाइंड करो वीडियो को, फिर से देखो. मुझे श्योर है कि 100% 100% आप लोगों को समझ में आएगा ही आएगा. यस और नॉट? तो चलो आज यहां पर रख देते हैं.